हरियाणा के यमुनानगर में हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यक्ति को ठगने का मामला सामने आया है। दरअसल जगाधरी की रहने वाली सास बहू पर आरोप लगे हैं। जगाधरी में एक व्यक्ति ने महिला को नौकरी पर रखा था। 10 दिन बाद वो महिला अपनी सास के साथ मिलकर व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगी। उन दोनों ने व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे न देने पर रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जाल बिछा कर 1 लाख रुपए लेते हुए सास बहू को रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी देते हुए सेक्टर 17 हुडा थाना प्रभारी ने बताया कि महिलाओं को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। दोनों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। मामले में यदि कोई और भी व्यक्ति शामिल होगा तो उन्हें भी काबू कर लिया जाएगा। कल एक अमित है, अमित गुप्ता है, जगाधरी का रहने वाला, उसने कंप्लेंट दी थी कि दो लेडीज हैं, एक स्वीता और एक कुसुम उसकी सास है, जो दोनों ने मिलकर ना उसको रेप का मुकदमा दर्ज कराने की एवज में धमकी देकर पैसे की डिमांड की थी और 1 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए काबू किया। पता चला तफ्तीश में कि इसने पहले भी एक दो के खिलाफ ऐसे किए हैं और फैसले किए हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। नहीं, कोई रिलेशन था, ये 10 दिन के लिए उसके पास नौकरी पे लगी थी, उसके बाद इसने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी थी, जो महिला थाने में थी, और इससे 5 लाख की डिमांड की गई और वो देना नहीं चाहता था इसको, तो उसने प्रबंधक थाना को आके दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के इसको रंगे हाथों काबू किया था। कोर्ट में अभी इसका रिमांड लिया है, 1 दिन का रिमांड मिला है, अभी जांच जारी है, जो सामने आएगा। सास बहू दोनों इन्वॉल्व? जी, सास बहू दोनों इन्वॉल्व। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस जांच में ये सामने आया है कि इससे पहले भी ये सास बहू इसी तरह कई लोगों को ठग चुकी है। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस को कई खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।